नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री बिजनेस। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि वह पत्रकारों पर भी गोली चलाने लगे हैं। दरअसल गाजियाबाद में पत्रकार ने अपनी भांजी के छेड़ने की तहरीर पुलिस को दी थी। पुलिस ने ना उसमें कार्यवाही की और ना ही किसी की गिरफ्तारी करी। तहरीर देने से नाराज बदमाशों ने पत्रकार को गोली मार दी। पत्रकार जिंदगी और मौत से अस्पताल में लड़ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में बदमाश कितने बेखौफ हैं, उसका उदाहरण गाजियाबाद में देखने को मिला, जहां पुलिस की लापरवाही भी दिखी। पत्रकार की शिकायत करने के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही। दरअसल ये तस्वीर गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी की है। विक्रम जोशी का कसूर बस इतना था कि उसकी भांजी को लगातार छेड़ा जा रहा था और जो लगातार छेड़ रहे थे उसकी तहरीर विक्रम जोशी ने थाने में दी थी। तहरीर देने से नाराज बदमाशों ने कल रात विक्रम जोशी को गोली मार दी। विक्रम के सर में गोली लगी और वह गंभीर हालत में यशोदा अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जो भी आरोपी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि अगर पुलिस कार्रवाई करती तो शायद विक्रम आज अस्पताल में भर्ती ना होता। वहीं मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह बेखौफ बदमाश हमला कर रहे हैं। एसएसपी कलानिधि नेथानी का कहना है कि भाई अनिकेत जोशी ने अवगत कराया है कि उनके भाई विक्रम जोशी अपनी बहन के घर से लौट रहे थे, तभी उनको बदमाशों ने गोली मार दी। जो दैनिक जगसागर टुडे में पत्रकार हैं, उनकी सूचना पर हम सभी अधिकारी अस्पताल पहुंचे और उनका इलाज डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। परिजनों की सूचना के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सभी और आरोपियों की धरपकड़ जारी है। श्री अनिकेत जोशी ने अवगत कराया कि इनके पत्रकार भाई विक्रम जोशी जो गाजियाबाद की दैनिक जनसागर टुडे के लिए कार्य करते हैं, कल जब ये अपनी बहन के घर से लौट रहे थे माता कॉलोनी क्षेत्र में, तो वहाँ पर हमलावरों ने इनके ऊपर अटैक किया है और इनको फायर आर्म से भी चोटिल कर किया है। इस सूचना पर हम सभी अधिकारी अस्पताल पहुँचे और वहाँ पर टीमें लगा करके साक्ष्य जुटाना शुरू किया है। ये फिलहाल अस्पताल में उपचाराधीन है, वहाँ पर चिकित्सकों की टीम इनका उपचार कर रही है। जो साक्ष्य जुटाए गए उसके आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम मोहित, दलवीर, आकाश, रवि और शाकिर हैं। वहीं परिजनों का कहना है कि अगर विक्रम की तहरीर पर कार्रवाई होती तो आज ये घटना ना होती। विक्रम की भांजी को लगातार छेड़ा जा रहा था, उसके बावजूद भी पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। गाजियाबाद में बदमाश लगातार हावी हो रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। अब बदमाश पत्रकारों को भी अपना निशाना बनाने लगे हैं। इसके बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है, जिसके बाद बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब वो पत्रकारों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।